हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बेसिक लाइंस वगैरह को प्रैक्टिस करने के लिए बताया था, जो वर्टिकल लाइंस है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइंस, सर्कल, तो इसी से जो हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो बहुत ही जल्दी होता है। जैसे कि हम कोई भी ड्राइंग करते हैं, आज की क्लास में जो हम बताने जा रहे हैं वो है ड्राइंग, है ना, कि जैसे कि अब हम लाइन सर्कल को कहाँ यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे। प्रैक्टिस तो हमें रेगुलर ही करना है इसका, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे कि हमने ग्लास ले लिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर से लाइन डालेंगे ग्लास की, एक हाइट ले लेंगे कि कितना साइज होना चाहिए ग्लास का। अब लंबाई के अकॉर्डिंग हमें चौड़ाई लेनी है ना, जितना इस पॉइंट से इधर रहेगा उतना ही सेम साइज हमारा इस साइड पर रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जितना भी आपको ऊपर से सर्कल दिख रहा है इसका, उतना ओवल शेप ले लेंगे जितनी इसकी गहराई दिख रही है। और नीचे साइड पर भी हम एक लाइन ले लेंगे, अगर ग्लास ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे पतला है तो कम लाइन ले लेंगे, छोटी कर लेंगे, लेकिन इस पॉइंट से जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। अब हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, राउंड है, इसलिए हम इसको सीधी लाइन नहीं रखेंगे, राउंड में रखेंगे। ये सर्कल जो हमारा आता है ये आई लेवल पे डिपेंड करता है कि कितना हमें ज़्यादा दिखेगा या कितना कम दिखेगा। ये आई लेवल का वीडियो हम इस क्लास में बताएंगे कि आई लेवल कैसे कम ज़्यादा होता है, अभी हम सिर्फ ड्राइंग पे बात करेंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इस तरह से हमें क्या करना है, ड्राइंग करनी है। जैसे कि अगर हमें कोई सर्कल, ये तो हो गया जैसे लाइंस वगैरह, अभी हमें सर्कल पे यूज करना है। जैसे कि हम कोई एक घड़ा बना रहे हैं, तो हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल अब एक सेंटर से लाइन डाल देंगे और ऊपर इसका गला बना देंगे यहाँ पे, इस तरह से आसानी से एक घड़ा बन जाएगा। तो बहुत ही इजी है अगर हम लाइन सर्कल वगैरह प्रैक्टिस करके कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो, है ना। अब इसमें हम डिजाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे इसमें पड़ी होती है ना, कोई भी डिजाइन वगैरह। ये सारी लाइनें राउंड शेप पे ही आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा राउंड सर्कल पे है। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। जैसे कोई फ्रूट्स बनाना हो, जैसे एप्पल, तो ऊपर से हम एक लाइन दे देंगे, सेंटर से क्रॉस करेंगे इसको, इस तरह से हम जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं वो किस तरह के फॉर्म में आ रहा है। यदि या तो वो सर्कल में आ रहा होगा, है ना, या तो ऐसा हो सकता है इस फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर वगैरह हो सकता है, या तो और ज़्यादा इसकी लेंथ हो सकती है, ऐसे, है ना। तो हमेशा जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ड्राइंग करते हैं। जैसे कि हमें क्या बनाना है, टेबल बनानी है, तो इसके अंदर इस तरह का, अगर ज़्यादा लंबी टेबल है तो इस तरह का फॉर्म ले लीजिए, कम है तो ऐसा ले लीजिए, डिपेंड करता है साइज टेबल का कैसा है। तो हम क्या करिए कि एक साइज ले लिया, जैसे ये ले लिया। अब यहाँ पर हमें तो फ्रंट का हो गया, सामने से जो हमें दिख रहा है, आप टॉप का अगर आई लेवल के नीचे रखिए कोई टेबल तो हमें टॉप का दिखेगा, तो साइड का अगर नहीं दिख रहा है, इधर से भी नहीं दिख रहा है, तो आपको टॉप का दिखेगा ये, तो ये लाइन अंदर की ओर कर्व होगी, बोलेगी, और आगे डिजाइन डाल देंगे इसे, इसकी थिकनेस पॉइंट बन जाएगा, ये वन पॉइंट पर टेबल इस तरह से बन जाएगी, है ना। ये जैसे कि वन पॉइंट की बात आई है, तो ये ड्राइंग जो होती है हमारी, ये जैसे वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, है ना, इसमें से कोई एक
ड्राइंग हो सकती है, वो 1 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, है ना। तो जो ये टेबल इस तरह से बनेगी वो 1 पॉइंट पे आएगी ना। अभी हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट को भी एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, है ना। तो ड्राइंग समझ में आ रही होगी आप लोग को, जिस तरह से लाइन वगैरह यूज करना। जैसे कि हम एक कार बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, फ्रंट का उसका सामने से जो दिखता है हमें उसका बेसिक ले लेंगे। और इसको एक, अगर गाड़ी 1 पॉइंट पर है तो पॉइंट बना लेंगे इसे, और बॉक्स ले लिया हमने। अब आगे स्पेस रहता है उसको छोड़ दिया, फिर ऊपर जो ग्लास रहता है उसको ले लिया, और इस पॉइंट से इसको भी जोड़ दिया। सिर्फ लाइन ड्राइंग है अभी, इसको डिटेल में नहीं हम करेंगे, एक बॉक्स इस तरह बना कर लें। यहाँ पर पहिए दिखेंगे, इस तरह से हम लाइन का प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारी लाइन हो जाएंगी तो डिटेलिंग हम इसी के अंदर कर सकते हैं अच्छे से। अगर हमारे लाइन ही अच्छी नहीं आ रही है तो फिर डिटेल नहीं हो पाएगा वो, इसलिए हमें जो प्रैक्टिस करने है, पिछली जो वीडियो में हमने बताया था कि लाइन सर्कल इन सबको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, कि कोई भी जब हम ड्राइंग करते हैं तो एक लाइन फॉर्म ही मिलता है हमें, क्योंकि जब तक हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो हम कावर को अच्छा नहीं कर सकते हैं, ना शेड ना कलर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्राइंग करना, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिस ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद में शेडिंग वगैरह सारी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे, और इधर आ जाएगा, साइड में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से, या ये 1 पॉइंट पर हो गया, 2 पॉइंट पर भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, आई लेवल क्या है, कई चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले आई लेवल ध्यान देंगे, आई लेवल क्या होता है हमारा, और ऑब्जेक्ट हमारा किस पॉइंट पर है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो इन लाइनों का यूज कहाँ पर है जो हमने पिछली क्लास में बताया था। तो सर्कल वगैरह हमने बता ही दिया है कैसे यूज करेंगे, है ना, सर्कल फॉर्म। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पे बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे हम किसी ग्लास को, ग्लास हमने बताया तो ग्लास को ले लेते हैं, जब बिल्कुल नीचे जैसे रखा होगा तो हमें ग्लास को ऊपर से कैसे दिखेगा, ऊपर से ऐसे दिखेगा, सर्कल उसका आएगा, है ना। उसके बाद में अगर इसको थोड़ा सा हाई लेवल के थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर का भी इसमें दिखेगा, अंदर से पतला है नीचे से। तो हमें क्या बदल, ये सर्कल बदलेगा ओवल शेप में, और ग्लास नीचे का साइज पतला सा हो जाएगा ऐसे, है ना। इसको अगर हम और ऊपर उठाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ओवल में, है ना, स्पेस यहाँ का कम हो जाएगा, ये और लंबा हो जाएगा। और इसको अगर आई लेवल के ऊपर उठाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, है ना। तो ये आई लेवल, जितना ऑब्जेक्ट नीचे होगा उतना आई लेवल हमारा ज़्यादा होगा, जितना ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होगा उतना हमें ये ज़्यादा दिखेगा, जितना आई ऑब्जेक्ट ऊपर होगा उतना कम दिखेगा। जैसे नीचे है तो हमें ज़्यादा दिख रहा है, ये बिल्कुल नीचे रखा था, ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये और ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जब ऑब्जेक्ट हमारा आई लेवल के ऊपर हो जाएगा तो हमें ऊपर का स्पेस टॉप का भी नहीं दिखेगा। तो अभी क्या है, ये लाइन हमारी नीचे से ऊपर की ओर टर्न हो रही है, फिर लाइन हमारी क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मूव करेगी, है ना। तो ये आई लेवल के इफेक्ट्स हैं जो कि ड्राइंग में आते हैं। अब यहाँ पर भी ये हमने क्या किया, नीचे से ऊपर की ओर मूव किया है। अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है तो ये नीचे से या तो किसी बेस में रखा होगा ये, है ना। तो ये हमें ऐसे ही ड्राइंग दिखेगी, इतना बेस नीचे का दिखेगा। अगर ये ऊपर है तो नीचे से हमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिख जाएगा, नीचे का भी दिखेगा क्योंकि आई लेवल के ऊपर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।